आप सबको गोपाला जी का नमन। चलिए देखिए, आज देवभूमि उत्तराखंड के एक आपको दिव्य स्थान के दर्शन कराता हूँ। आनंद की अनुभूति होगी आपको। जो आस्थावान हैं उनके लिए ये वीडियो, और विशेष रूप से जो ट्रैकर्स हैं उनके लिए तो ये स्पेशली वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट लगेगा आप लोगों को। देखिए, ऋषिकेश में अगर आप एंट्री करते हैं, कहीं भी भारत के किसी भी कोने से आते हैं, ऋषिकेश टच करेंगे या आप देहरादून टच करेंगे। अगर ट्रेन से भी आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, तो देहरादून हर आपके भारत के बड़े शहर से अब जुड़ने जा रहा है, जुड़ गया है। देवप्रयाग पड़ेगा पहले आपको रास्ते में। केदारनाथ मार्ग पर अगर आप आगे बढ़ेंगे, गुप्त काशी के पास स्थित है काली मठ। इसका पूरा वीडियो मैंने दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये काली मठ विशेष रूप से इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। काली गंगा भी इसको बोलते हैं। कालिदास जी की जन्मस्थली भी पड़ोस में ही है। यहाँ पे उन्होंने साधना करी थी सरस्वती जी के चरणों में बैठ के। ऋषिकेश से लगभग 187 किलोमीटर और देहरादून से लगभग 204 किलोमीटर ये वाला प्लेस पड़ता है। यहाँ पे ही माँ जगदम्बा अंतर ध्यान हुई थी, उनका वीडियो भी मैंने दिया है, आप देख भी सकते हैं। पिंडी माँ की स्थापित है और इस पिंडी के ऊपर श्रीयंत्र बना हुआ है। बड़ा बड़ा भव्य दृश्य है यहाँ का। और ये जो मंदिर है ये वाला विशेष रूप से मंदिर, आपकी यात्रा स्टार्ट होती है चेकिंग करते हुए। लगभग 8-7-8 किलोमीटर के बीच में पड़ती है वाला रास्ता। मगर ये जो पाथ है, ये वाला जो ट्रैक है, ये बड़ा बड़ा टफ है, सरल नहीं है ये। तो एक तो ट्रैकर्स के लिए लोग बाग पूछते हैं कि ट्रैकिंग का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट्स हैं ट्रैकिंग के। तो देखिए, एक तो मानसिक रूप से जो बलवान होगा व्यक्ति वही पहुंच सकता है, नंबर वन। और नंबर टू, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप एक ट्रैक कर लेते हैं तो आपको लगने लगेगा कम से कम 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आपने एनर्जी संचित कर ली, और आपका फुल प्रूफ बॉडी का टेस्ट हो जाएगा कि आप फिजिकली फिट हैं, लंग्स आपके ठीक हैं, हार्ट आपका बिल्कुल ठीक है, हाथ पैर घुटने उठने सब आपके काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा ट्रैक। देख लीजिए आप कैसा है, जंगल है, पहाड़ है, जड़ी बूटियां हैं। बहुत ही कठिन है, मैं कह सकता हूं इसको, क्योंकि बड़ी कठिनाई होती है चढ़ने में, जो एक एजेड पर्सन है ये, जिनको अनुभव नहीं है विशेष रूप से उनके लिए। भैया ठीक कहा किसी ने, अगर अमरनाथ जा रहे हैं तो 3 चीजें कहावत हैं, अमरनाथ की चोटी, पेट में हो रोटी और हाथ में वो सोटी। तो तीनों चीज़ आपने चरितार्थ कर दी है ना, हाथ में सोटी भी है, पेट में रोटी भी है, और अब मगर चोटी है काली शिला की चोटी है। हे भैया, कितना भी और चलना बताते रहो यार। इसमें एक छोटा सा गांव पड़ता है, बहुत ही छोटा सा गांव है, मेरे ख्याल से 200 के लगभग यहाँ पे लोग रहते होंगे। ब्यूखी गाँव है एक, यहाँ लोग विश्राम करते हैं, खाने पीने का आप देख सकते हैं कितना आनंद देता है। जब आदमी थका होता है ना, थक के बिल्कुल चूर हो जाता है, और 2 सेकंड को, 1 मिनट को, 2 मिनट को, 5 मिनट के लिए कहीं विश्राम करता है। और यहाँ के लोगों से शाबाश, देखिए कितनी मेहनत करती है यहाँ की महिला। छोटे भी आ गया है? आराम करते करते जाना जी। कभी थक जाओ रास्ते में। आप हैं तो अपने आप आराम से जाएंगे इतना भार लेके? हाँ। कितने चक्कर लग जाते हैं? 10-12। हे भगवान, थकते नहीं?
क्या करना है, यही ना ठीक है। फिर भी थक तो जाता है ना आदमी। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। यहाँ के लोगों से मिलिए, ये जो सज्जन मैं आपको दिखा रहा हूँ 80 साल के हो गए, इनके वीडियो वगैरह देख लीजिए। इतनी अच्छा, और यहाँ डॉक्टर वगैरह कोई वैद्य नहीं, यहाँ इस गांव में पता नहीं डॉक्टर वगैरह है कोई, शक्ति से काम करते हैं, कोई डॉक्टर नहीं। तो 80 साल की उम्र तो ऐसे आप मतलब गए हुए अपने सब पूरा घूमते फिरते हो अपने, घूमते हैं और नीचे जाते हो तो कोई कोई साधन है जाने वाने का नीचे? कहाँ नीचे कोई ये पैदल ही? हाँ कालीमठ। हाँ हाँ जी वो पैदल पैदल चले जाते हो? हाँ शाबाश है, शाबाश है भैया, वाह वाह, जय माई, वाह भाई वाह, जय माई, जय माई, वाह। अब देखिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपकी भीमशिला, एक जगह पड़ती है। भीमशिला के बारे में देखिए पंडित जी क्या कह रहे हैं, इनकी भी सुनिए। भीमशिला का क्या महत्व है, क्या इसका महत्व है? कहते हैं जब पांडव लोग जो है केदारनाथ के दर्शन के लिए आ रहे थे, अच्छा, तो भगवान भीम जी ने जो है इस स्थान पे एक पत्थर यहाँ रखा, एक जाल गांव में, जाल गांव जी हाँ, अच्छा, उनके दो पत्थर और बीच में उन्होंने लकड़ी जलाई, भोजन बनवाया था। अच्छा, भीम जी के भोजन बनाने के शिला है, तो भीमशिला नाम इसका है जी, चूल्हा जिसे कहते हैं चूल्हा। अच्छा, काली शिला आपके दर्शन कराता हूँ अभी। काली शिला का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे माँ ने शक्ति प्राप्त करी थी, यहाँ के जो प्रसिद्ध है वाला 64 देवी देवताओं के यंत्र, इनको 64 योगिनी का यंत्र भी कहते हैं, यहीं पे माँ ने शक्ति प्राप्त करी थी। और जो दुष्ट राक्षस थे उस समय के, जिनसे त्रस्त थे सारे देवी देवता ऋषि मुनि, क्योंकि उनको तपस्या नहीं करने देते थे, साधना नहीं करने देते थे अपने दुष्टपन से, उनको उनको किसी न किसी रूप से हानि पहुंचाते थे, कष्ट पहुंचाते थे, वो भगवान के रास्ते पे अपने सत्कर्म पे ना चलें, दुष्ट कर्मों पे चलें, ये प्रवृत्ति होती थी उनकी। तो दो तीन राक्षस थे, शुम थे, निशुम थे, और तीसरे थे रक्त बीज। इनका संहार करने के लिए जब देवी देवताओं ने माँ से, जगदम्बा माँ से निवेदन किया, उनकी अर्चना करी, प्रार्थना करी, तब माँ ने काली का रूप धारण करके शक्ति प्राप्त करी इस वाले स्थान से, और शक्ति प्राप्त करके उन्होंने इन तीनों दुष्ट राक्षसों का वध किया। इतना 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 क्रोध था, इतना कोप था माँ में, काली कहते हैं काली माँ, काली का रूप धारण कर लिया, उनका जो क्रोध शांत करने के लिए एक जगह जगह आप देखते हैं कि एक शिव जी के ऊपर माँ ने पैर रखा हुआ है। तब जब देवी देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना करी कि माँ का क्रोध किस तरह शांत होगा, तो शिव जी जी लेट गए, माँ के चरण जब शिव जी के ऊपर स्पर्श किया तब उनका क्रोध शांत हुआ, ये वाली आस्था मिलती है यहाँ पर। देखिए सबसे आकर्षण का केंद्र यहाँ पे 96-95 ईयर्स के बाबा जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, इनका सुनिए बाबा जी का, देखिए इंटरव्यू क्या कहते हैं बाबा जी। अच्छा, मतलब राजनीति हर जगह जैसे चलती है, तो वो सारा तोड़ फोड़ करवा दिया या तो पूरा बढ़िया नहीं, तो ये बाबा जी जब इतना सिद्ध स्थल है ये वाला, और नेक काम कर रहे हैं, कहीं कोई हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी का गला नहीं काट रहे, है ना, एक दिव्य स्थान को मेंटेन करे हुए हैं जी, यही कई लोग हैं। हाँ लोकल ही हैं सारे, है ना, लोकल लोग जी जी जी, ये राजनीतिक बाबाओं के ऊपर चला रहे हैं। नहीं आजकल तो मोदी जी हैं तो संरक्षण दे रहे हैं भाई, मंदिरों को, लोगों को, दिव्य चीजों को, ये इनको पता ही नहीं है ये कौन सी माँ है जी, ये महाशक्ति पीठ है जी, इसी का मठ है नीचे काली मठ जिसको बोलते हैं, इसी का ही काली मठ है जी, ये मंदिर नहीं, ये मंदिर तो ये दुकानदारी है इनकी जी, ये नीचे जो
शिला है, मुख्य वो है, दिव्य शिला हुई है, मुख्य शिला वो है, जितना इस साइड को शिला है ना। जी जी जी, ये 64 अंतर हैं उसमें। जी हमने देखे होंगे, मैंने देखे। जी हाँ, वो उसमें रेखाएं बनी हुई हैं। वो ये 64 योगनियों का, हाँ 64 यंत्र, मतलब वही योगिनी 64 योगिनी। तो महाराज जी नहीं बता रहे हैं सब, मैंने पता किया कि सारा श्रेय आपको है कि इस स्थान को आपने कम से कम इसकी गरिमा जो है वो बरकरार रखी हुई है। क्या करें, यहाँ के लोग, कुछ लोग ऐसे ही हैं, ये बाबाओं को राजनीतिक में ज्यादा। महाराज जी तो हर युग में हुआ है, दुष्ट तो हर युग में पैदा हुआ। हमने अपना रास्ता तो नहीं छोड़ना है ना। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ भाई साहब? दुष्ट तो हर युग में हुए हैं, कोई भी युग देख लीजिए आप। पहले राक्षस नाम से जाने जाते थे, तो काम है। पहले राक्षस से जाने जाते थे। महाराज जी ने एक बात कही, वो नोट नहीं करी आपने वीडियो में। जी, ये जो राजनीतिक साधु ये करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। हाँ हाँ जी जी, हाँ मेन राजनीतिक साधु नहीं, मगर हम देखिए, हम इसके माध्यम से किसी को हम आक्षेप नहीं। पहले राक्षस यहाँ साथ साथ थे जी, अब राक्षस हम तुम में है। हाँ जी, वो बसे हुए हैं आजकल, कहीं दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, प्रत्यक्ष थे वो राक्षस, तुम में समा गए वो। क्यों, उनको तो बध कर दिए जी, और उनका असर जो है हम तुम में पड़ गए। जब कठिन रास्ता है बहुत, मेरे को 45-46 साल हो गए यहाँ। 45 वर्ष हो गए। अच्छा, आप महाराज जी किस अखाड़े के हैं आप? मैं अवहान अखाड़े का हूँ। अवहान अखाड़े के हैं, अवहान के। जी जी, तो बहुत कुछ देखा। और दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इनका भी मैंने वीडियो दिया था, एक जर्मन लेडी 1996 से यहाँ पे हैं ये, और साधनारत हैं, डिविनिटी की तलाश में, दिव्यता की तलाश में, रूहानियत की तलाश में, सारी दुनिया छोड़ के एजुकेटेड लेडी हैं, पढ़ी लिखी लेडी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, धारा प्रवाह हिंदी बोलती हैं ये, बिल्कुल भारतीय रंग में रंग गई, ये सबसे बड़ा यहाँ का। बस मुझे तो ओनली वन थिंग, यू आर जर्मन एंड डिसेंट हिंदी यू आर स्पीकिंग, व्हाट हैज इंस्पायर्ड यू? You are settled this in such a remote place. Very difficult to approach to this particular place. कहाँ देखा आपने? कहाँ से मिला आपको काली माई का, काली मठ का? I think if you are supposed to come to a place, then you will get some inspiration and some incidences that lead you to that place. Okay. क्या मैं हिंदी में बोलूँ? जिसमें convenient हो। आप थोड़ा सा उधर हो। थोड़ा सा। मेरे नाम कर लें। जिसमें आप जिसमें हो कपाल तो ना। एक मिनट, मेरे बैग में। नहीं रहते हैं आप? एक मिनट। एक मिनट। बड़ी बात है ना? वो कुछ पूछ रहे हैं आप, तुम भी बीच में पूछ रहे हैं। यार बहुत काली शिला के भी आप दर्शन कर रहे हैं। काली शिला एक शिला मात्र है, कोई यहाँ मंदिर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक माँ का स्थान है। बड़ा मुश्किल से, कठिनाई से आदमी चढ़ के माँ के जहाँ जाता है और वहाँ पे बैठ के तपस्या करता है, साधना करता है, पूजा करता है। यहाँ मान्यता है, कहते हैं कि अगर इस काली शिला की किसी ने 7 बार परिक्रमा कर ली, जो कि मैं समझता हूँ कि साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, दहशत होती है, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते इस स्थान पर, क्योंकि स्टीप है बिल्कुल। तो जो पुजारी लोग हों, कहते हैं हमने एक बार तपस्या करी है, एक परिक्रमा करी है हमने, अगर 7 परिक्रमा कर लेता है कोई यहाँ व्यक्ति, कोई साधक, कोई तांत्रिक मांत्रिक, कोई बहादुर व्यक्ति, तब कहते हैं कि माँ उसकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करती है। देखिए, ये था एक इस दिव्य स्थल का, इस मनोरम स्थल का एक वीडियो, छोटा सा। बस एक रिक्वेस्ट होती है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, और एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के वीडियो, और आप लोग बस इसको, आपको फिर आपको रेगुलर हमारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।